दोस्तों ने चल मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आप सभी के मोबाइल के अंदर 1 GB इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और आप इससे परेशान रहते हो? मोबाइल के अंदर ना तो आप IPL देख पा रहे हो, ना तो YouTube पे, ना तो गाना वीडियो, ना तो मूवी देखते हो वीडियो, फिर भी मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट डेटा है बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लगता है। जो प्लान के हिसाब से मिलता है आपके मोबाइल के अंदर जो रिचार्ज किए होंगे 1 GB मिलता होगा, 1.5 GB या 2 GB, और आप में से बहुत सारे लोग कॉमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या वजह है जो मेरे मोबाइल के अंदर जो 1 GB इंटरनेट डेटा मिलता है ना, मोबाइल को मैं यूज भी नहीं करता फिर भी जल्दी जल्दी इंटरनेट डेटा खत्म होने लगता है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ, इसका सोल्यूशन मुझे मिल चुका है। ये चार खुफिया सेटिंग को आप अपने फोन के अंदर बंद करना होगा। अगर आप ये चारों सेटिंग को बंद कर देते हो ना, जो 100% वर्किंग खुफिया सेटिंग है, जो 1 GB इंटरनेट डेटा को जो ना पूरे 24 घंटे आप लगातार चलाओगे ना, यूट्यूब पे आप वीडियो देखो जितना मर्जी हो, चाहे आप IPL देखो, फिर भी 1 GB इंटरनेट डेटा खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा। इतना पावरफुल सेटिंग है जो आप लोग को नहीं पता होगा, जो कंपनी वाली ये खुद सेटिंग देते हैं, जो आप लोगों के छुपा के रखता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये सभी सेटिंग के बारे में बताऊंगा, कुछ सेटिंग को ऑन करना और कुछ सेटिंग को बंद करना, 1 GB इंटरनेट डेटा को पूरे 24 घंटा आप चला पाओगे। तो कौन सी सेटिंग है जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूं वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे हो गट्टूगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो ये के बारे में, तो एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों टॉपिक ढूंढने में, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, लेकिन अगर आप एक लाइक कर देते हो ना, मुझे काफी मोटिवेशन खुशी मिलता है, जो फ्री होता है लाइक करना। चलो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑल पे सेट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करना, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिले, डेटा सेव कर पाए, और कमेंट के अंदर डेटा सेवर लिखना काफी जरूरी है। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग में चले जाना होगा। जैसे मोबाइल के सेटिंग में जाओगे ना, यहां पे आपको सबसे पहला खतरनाक पावरफुल खुफिया सेटिंग बताऊंगा, जो मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी से जल्दी जल्दी खत्म करता है, जल्दी जल्दी इंटरनेट डेटा को यूज करता है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा, कानो कान खबर भी नहीं होगा, और ये सेटिंग को आपको बंद करना होगा। कौन सा सेटिंग है, कहां पे मिलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो यहां पे ऐप मिलेगा। जैसे कि ऐप देख रहे ना, किसी किसी फोन के अंदर ऐप मैनेजमेंट होगा, ठीक है, बाद में। तो यहां पे ऐप सेटिंग के अंदर जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको ऐप मैनेजमेंट सेटिंग में देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप होगा, चाहे वो सिस्टम का हो, चाहे आपने प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल किया होगा, या थर्ड पार्टी ऐप से आपने इंस्टॉल किया होगा, सारा का सारा ऐप मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, एक एक करके आपको जो है यहां पे टिक करना होगा। जैसे टिक करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे जाओगे, यहां पे डेटा यूजिंग आपको दिखने को मिल जाएगा। जैसे कि मोबाइल आप यूज करो या ना करो, तो यहां पे डेटा यूजिंग के अंदर जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको बैकग्राउंड डेटा आपको ऑन होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। यही आप गलती कर देते हैं, जो सभी लोग करते हैं, सभी एंड्रॉइड यूजर यही गलती कर देते हैं, जो आपको लगता है, आपको लगता होगा कि मैं मोबाइल को यूज तो नहीं कर रहा, मेरा मोबाइल तो इंटरनेट तो डेटा पूरा का पूरा सेव रहेगा, यूज नहीं होगा, IPL रात में देखूंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप मोबाइल यूज करो या ना करो, वीडियो देखो या ना देखो, फिर भी इंटरनेट डेटा बैकग्राउंड के अंदर यूज होगा, सभी एप्लीकेशन यूज करेगा। तो आपको करना क्या होगा, ये सेटिंग को बंद करना होगा। इसी तरह से सभी एप्लीकेशन को ना, ऐसा नहीं एक ही एप्लीकेशन को नहीं करना, सभी एप्लीकेशन को जो ना आपको डेटा यूजिंग में जाकर के आपको ये बैकग्राउंड डेटा को आपको बंद कर देना होगा। जो एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो, आपको चाहते हो कि वो एप्लीकेशन डिलीट भी नहीं करना चाहते हो, हफ्ते दो हफ्ते या तीन हफ्ते के बाद एप्लीकेशन यूज करते हो, तो सभी एप्लीकेशन का डेटा बैकग्राउंड यूज ऑन रहता है, तो आपको फटाफट सभी एप्लीकेशन को जो ना डेटा बैकग्राउंड को आपको बंद कर देना होगा। इससे डेटा आपका बचने वाला, काफी ज्यादा सेव होगा। ये पहला सेटिंग की मदद से जो आप 20% मोबाइल इंटरनेट डेटा को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो, जो आप लोग को किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये पहला सेटिंग था। अब बात करते हैं यहां पे दूसरा खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा, और ये जो दूसरा खुफिया सेटिंग बताना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेटिंग है, खुफिया सेटिंग है, और ये सेटिंग आपको यूट्यूब के अंदर मिलेगा। दोस्तों यूट्यूब ऐप का इस्तेमाल तो हम सभी करते, आप भी यूज करते, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो यूट्यूब ऐप यूज करते मूवी देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, बहुत सारा चीज करते होंगे, लेकिन इसके अंदर जो सेटिंग है जो आप लोग को नहीं पता होगा, वो सेटिंग आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, वो सेटिंग आपको कहां पे मिलेगा, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ये सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, यहां पे डेटा सेविंग आपको देखने को मिल जाएगा, डेटा सेविंग आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा। डेटा सेविंग में आप जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये सारा सेटिंग को आपको ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो, लेकिन आप लोग बंद करके रखते हैं। अगर आप ये सेटिंग को ऑन नहीं करोगे ना, तो कुछ नॉर्मल आप वीडियो गाना सुनोगे ना, इंटरनेट इतना तेजी से खत्म होगा, एक वीडियो
वीडियो का जो वीडियो आप देखोगे ना गाना, वो 500 MB खत्म कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आप डेटा को बचाना चाहते हो, 1 GB इंटरनेट डेटा को 24 घंटा चलाना चाहते हो ना, बस आपको ये सेटिंग कौन करे, पूरा सेटिंग ऑन हो जाएगा। जैसे पूरा सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाता है ना, सिर्फ आपको जो है ना यहाँ पे पूरा सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ना वीडियो का क्वालिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम जाएगा। तो थोड़ा बहुत वीडियो का क्वालिटी यहाँ पे कम हो जाएगा यूट्यूब के अंदर, जब भी आप वीडियो देखोगे तो ऑब्वियसली बात है इतना ज्यादा इंटरनेट बचेगा, इतना ज्यादा डेटा सेव होगा, यानी कि 30% डेटा यहाँ पे सेव करेगा ये सेटिंग को ऑन करने के बाद। यकीन नहीं हो रहा ना, खुद ट्राई कीजिएगा, जो मैं खुद ट्राई करता हूं ये वर्क करता है, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक और सेटिंग में आपको बता देता हूं, यहां पे आपको जो ना जनरल सेटिंग के अंदर जाओगे, जनरल सेटिंग के अंदर जाओगे ना, तो यहां पे आपको मिलेगा प्लेबैक इन फीड होगा, प्लेबैक इन फीड पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको ऑफ कर देना होगा, ऑलवेज पे सिलेक्ट होगा तो यहां पे ऑफ कर देना होगा। ऑफ क्यों बोला करने के लिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब भी आप यूट्यूब को ओपन करते हो, जैसे कि मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूं, और ये जो आपको देख रहे प्रोफाइल के अंदर, यहां पर आपको जो ना होम पेज के अंदर जो ना वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने लगता है, तो वो जो ऑलवेज जो बैकग्राउंड था ना प्ले फीड का, वो मैंने ऑफ कर दिया। इससे आपका डेटा काफी ज्यादा बचेगा, 30% डेटा सेव होगा, ये दो सेटिंग करने के बाद जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं तीसरा सेटिंग के बारे में। तीसरा सेटिंग जानने के लिए आपको करना क्या होगा, ये गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। दोस्तों सबसे ज्यादा मोबाइल के इंटरनेट डेटा यूज करने वाला ये गूगल प्ले स्टोर है, जो आप लोग को नहीं पता होगा। आपको लगता होगा कि बार कैसे बात कर रहे हो भाई, गूगल प्ले स्टोर डेटा कैसे यूज करेगा। मैं आपको बता देता, दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा, आपका आंख खुला का खुला रह जाएगा, इतना ज्यादा डेटा यूज कर रहा है। आप सोचोगे कि काश ये सेटिंग मुझे पहले पता होता ना, तो मैं अपने डेटा को बचा सकता, वो भी 50%। जी हाँ, कैसे, मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें, ये प्रोफाइल पे क्लिक करें, और यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे। जाने के बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस नाम करके सेटिंग मिलेगा, इस सेटिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑटो अपडेट्स ऐप देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑटो अपडेट्स ऐप, इस सेटिंग पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट है, यहाँ पे ओवर एनी नेटवर्क। यदि आप ओवर एनी नेटवर्क पे यहाँ पे प्ले स्टोर के अंदर ये सेटिंग ऑन है, तो समझ लेना कि आपके मोबाइल के अंदर जितनी भी ऐप आपने प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल किया या डाउनलोड किया ना, सभी एप्लीकेशन डेली ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है। मान के चलो कि एक एप्लीकेशन जो अपडेट आता है ना दिन भर में, वो आपको 50 MB का आता है। तो जब 50 MB का एक एप्लीकेशन आता है, कोई को एप्लीकेशन 20 MB का भी होता है, तो कैलकुलेटर हिसाब से आप टोटल 20 MB से ही जोड़ोगे, कम से कम 10 से 15 एप्लीकेशन डेली का अपडेट आता है, कैलकुलेटर करोगे, ऐसे ही 1 GB इंटरनेट डेटा खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो फालतू का अपडेट होता है, जो कोई मतलब नहीं होता, अपडेट करने से कोई फायदा नहीं है, तो आपको ओवर एनी नेटवर्क पे सिलेक्ट ना करने के बाद यहाँ पे डू नॉट ऑटो अपडेट्स पे यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे ना, ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा बिना परमिशन का। आपको मैन्युअली आपको अपडेट करना होगा, जो भी एप्लीकेशन को अपडेट चाहते हो तो मैन्युअली अपडेट कर सकते हो, इससे डेटा आपको बचेगा, वो भी 50% डेटा। और यहाँ पे ऑटो प्ले वीडियो है ना, इसको भी आपको जो ना यहाँ उसको भी आपको डोंट ऑटो अपडेट पे क्लिक करोगे ना वीडियो पे, तो ये भी आपको वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। ये आपको तीसरा सेटिंग करना काफी जरूरी है, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चार सेटिंग करना होगा, चार नंबर का जो सेटिंग करने के लिए ये फेसबुक ऐप को ओपन करना होगा। दोस्तों फेसबुक ऐप का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, 99% लोग जो ना फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, और फेसबुक पे आप ढेरों सारे ऐसे वीडियो देखते हैं, कॉमेडी वीडियो देखते हैं, टेक वीडियो देखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला ये फेसबुक भी है, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको इसका मैं डार्क रियलिटी मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा यूज कर रहा है, जो मैं आपको कानो कान में आपको बता देता हूं, जो आपको पता चल जाएगा, होश उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं आपको प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे सेटिंग एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाओगे, जाने के बाद फिर से आपको सेटिंग्स में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना, एक इंपॉर्टेंट सेटिंग मिलेगा, यहां पे मीडिया करके सेटिंग मिलेगा, मीडिया सेटिंग्स में जाओगे। जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो ना ऑप्टिमाइजेशन पे यहां पे आपको जो ना यहां पे मोबाइल डेटा यहां पे ऑन होगा, तो यहां पे ऊपर में बीच में देखोगे डेटा सेवर नाप करके एक सेटिंग होगा, यहां पे क्या लिखा 50, यानी कि 40% डेटा को लेस कर सकते, यानी कि 40% डेटा को आप बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। ये मैं नहीं कर रहा, ये कंपनी वाले खुद देते हैं, जो आप लोग ये सेटिंग को टिक करके नहीं रखते हो। जी हां, तो कैसे डेटा यूज करता वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको डेटा बचाना चाहते हो ना, तो इसको अनटिक कर देना होगा। अनटिक करने के बाद डेटा 40% यहां पे बचने वाला है। अगर आप यहां पे ऑप्टिमाइजेशन पे यहां पे डाल दोगे ना, तो कैसे डेटा खत्म होता मैं आपको बताऊंगा। अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हो और किसी का आप वीडियो देखते हो ना, तो क्या होता है कि आपने एक वीडियो देखा, उसके नीचे एक और वीडियो होता है, उसके नीचे एक और वीडियो होता है, उसके नीचे एक और वीडियो होता है, टोटल जो ना मतलब कि 5 से लेकर के 10 वीडियो जो ना ऑटोमेटिक बैकग्राउंड के
के अंदर वो बैकग्राउंड के अंदर डाउनलोड हो जाता है, जो आपको पता होगा कि इंटरनेट स्पीड चले या ना चले वो बैकग्राउंड के अंदर डाउनलोड हो जाता है। बैकग्राउंड के अंदर पहले आपने एक वीडियो देख रहा है उसके नीचे डाउनलोड हो रहा है, लेकिन आप जैसे स्लाइड करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक प्ले होने लगता है, बिना बफिंग का बिना इंटरनेट का वो वीडियो चलने लगेगा। एक बार जरूर ट्राई करना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंटरनेट डेटा यूज कर रहा है, आपको 100% पता चलेगा। तो दोस्तों यही था चार खुफिया सेटिंग जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेटिंग है। कुछ सेटिंग को ऑन करना होता, कुछ सेटिंग को बंद करना होता। अगर आप ये चारों सेटिंग आप अपने फोन के अंदर बंद कर देते हो ना, यकीन माना जो 100% वर्किंग है, 1 GB इंटरनेट डेटा को पूरे 2400 घंटा लगातार चलाओगे ना, फिर भी इंटरनेट डेटा खत्म होने का नाम तक नहीं लेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, अपने ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।